बर्बादियों का हम नशीनों, तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं। बहुत मुश्किल है दुनिया का सवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का सवरना, तेरे जुल्फों का पेचो खम नहीं। साहिल से मेरी पहली मुलाकात हैदराबाद स्टेशन पर हुई। ट्रेन आई और साहिल रुकते लटकते डिब्बे से प्लेटफॉर्म पर आए। 5.5 फुट का कद जो किसी तरह सीधा किया जा सके तो 6 फुट का हो जाता। लंबी लंबी लचकीली टांगे, पतली कमर, चौड़ा सीना, बड़े बड़े बाल, चेहरे पर चेचक के दाग, खूबसूरत आंखें, आंखों में हल्के हल्के फिट, जिस्म पर कमीज पतली मड़ी और हाथ में सिगरेट का पैकेट। साहिर अभी अभी सोकर उठा है, सुबह 10-11 बजे से पहले वो कभी सोकर नहीं उठा। उम्र भर उसने किया इश्क हमें दुनिया से, उम्र भर उसने किया इश्क हमें दुनिया से, उसका होगा न कोई आशिक इंसान। दास्तान साहिब उद्यानी, गुलगुना कशाने आरज़े शहीदे बयान, इस तरह फरमाते हैं कि पपॉल अहमद राही साहिब ने, लोग कहते हैं कि जिंदगी में कई बार मगर मुझे उन लोगों से कतई इत्तेफाक है। साहिब के नाम से वाबस्ता है असल में उसके वजूद के उन कोनों खुदरों को पुर करने के बहाने हैं जो बहुत पहले खाली होते थे। दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं। मुझे दास्तान बेहद खूबसूरत लगी। जो भी लोग लेखन अध्ययन का काम करते हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, उनको ये दास्तान ज़रूर ज़रूर सुननी चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आर्ट के करीब है आपका काम तो ये आपके लिए ही है कि क्या चीज़ें होती हैं जो किसी आर्टिस्ट को बनाती हैं और क्या चीज़ें होती हैं जो किसी आर्टिस्ट को डुबोती हैं। उसको इतनी खूबसूरती से पिरोया है प्रज्ञा और हिमांशु दोनों ने, और ये मेरे जो रेलिवेंट लोग हैं आसपास के उनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन दास्तान को उन्होंने सीख है, और मुझे लगता है हिंदुस्तान में इनसे बेहतर कोई पढ़ता है इस तरह की दास्तानें, क्योंकि लिखते भी खुद हैं जब ये दास्तान पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी पकड़ दास्तान पे ज़्यादा बेहतर मुझे लगी और मुझे बड़ा मज़ा आया ये दास्तान से। दोस्तों आज मैं चौपाल में मौजूद हूँ जहाँ अभी अभी मैंने दास्तान साहिर सुनी और ये दास्तान गोई पेश की थी प्रज्ञा शर्मा जी ने और हिमांशु वाजपेयी ने, जो दोनों मुझे फ़ख्र है मेरे शहर लखनऊ के हैं। इतनी खूबसूरत दास्तान लिखी है हिमांशु ने और इतनी खूबसूरत तरह से इसको प्रज्ञा ने और हिमांशु ने पेश किया कि साहिर साहब की पूरी ज़िंदगी उनके सारे पेचोखम के साथ सामने आती है। और जैसा कि हिमांशु एक जगह कहते हैं किसी को कोट करते हुए कि साहिर साहब बहुत अच्छे शायर थे, बहुत बाकमाल इंसान थे, मगर पेचीदगियों का एक पुलिंदा थे। तो सारी पेचीदगियाँ, बहुत आसान होता है किसी के बारे में एक हाइगियोग्राफिक प्ले लिखना कि वो सिर्फ बहुत अच्छे थे, सिर्फ बहादुर थे, लेकिन क्योंकि उसमें हर इंसान में, अगर इंसान है तो उसमें कुछ डाउन साइड भी होगा। उन चीज़ों को लेकर जिस तरह की दास्तान आज सुनी हमने चौपाल में, वो बाकमाल दास्तान थी और इतनी छूने वाली दास्तान थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दास्तान है। साहिर लुधियानवी हम सभी के बहुत फेवरेट पोएट हैं, बहुत फेवरेट शायर हैं,
उनके बारे में ऐसा लगा कि हमने बंबई में बैठे बैठे साहिर को देख लिया। मतलब मुझे नहीं लगता इससे खूबसूरत कोई ट्रिब्यूट हो सकता है ताहिर लुधियानवी के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हिमांशु भाई का, प्रज्ञा का, कि आप लोगों ने, आप दोनों ने मिलकर इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा खूबसूरत दास्तान हमें सुनाई। बहुत शुक्रिया। आदाब। मेरा ये पैगाम है उन लोगों से, उन सामईन से दुनिया में, जो जहाँ जहाँ कहानी सुनने के फ़न को निहारते हैं, उसे सराहते हैं। अगर आप दास्तान सुनने के शौकीन हैं तो हिमांशु वाजपेयी और प्रज्ञा शर्मा की जो दास्तान है, दास्तान साहिर, वो आप ना छोड़िएगा। क्योंकि अगर आपने वो छोड़ दिया तो एक नायाब चीज़ आपने मिस की। तो मेरा ये आपसे पैगाम है कि इस दास्तान जहाँ कहीं आप सुन लें, इसका शो हो रहा है, छोड़ दीजिए सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं, जाइए टिकट खरीदिए, फौरन सुनिए, और सुनने के बाद जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ वैसे आप उनका प्रचार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दानिश हुसैन। बहुत ही खूबसूरत शो है, इतनी अच्छी दास्तान है, और क्योंकि हम बम्बई में रहते हैं और ये वही जगह है जहाँ साहिर कभी रहे होंगे, कभी चले होंगे, कभी किसी महफिल में बैठे होंगे, तो इतना रिलेटेबल है और इतनी सुंदर, और उनके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो इतने खूबसूरती से सुनने को मिले कि मज़ा ही आ गया। मतलब और ये दास्तान मुझे नहीं लगता कि एक बार सुन के मैं, मेरा जी भर गया, मैं ये बार बार और कई बार सुन सकता हूँ। इतनी खूबसूरत बातें, इतनी खूबसूरत शेर, कविताएँ, पोइट्री है कि दिल तसल्ली हो, मज़ा आ गया। थैंक यू। हेलो, हमारा नाम आदित्य कुलश्रेष्ठ है, लोग प्यार से कुल्लू बुलाते हैं। और बीते दिनों में हमको एक जो है खुशकिस्मती हुई हमारी कि हमने हिमांशु वाजपेयी भाई और प्रज्ञा जी की दास्तान गई को सामने से बैठ के सुना। दास्तान साहिर करके उनका एक शो है, भाई साहब साहिर कानूनगी जी की जिंदगी के बारे में, उस शख्सियत के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, गाने हैं, उनसे जो लोगों के बारे में किस्से कहानियाँ हैं, और जिस मज़े से, जिस अंदाज में ये दोनों दास्तान गोई करते हैं, हमें ऐसा लगता था कि हम साहिर लुधियानवी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमारे आसपास के लोगों को ऐसा लगता था कि हम उनके सबसे बड़े फ़ैन हैं। पर इनकी दास्तान सुन के हमको लगा कि हमको बहुत 10% भी नॉलेज नहीं था उनकी ज़िंदगी के बारे में, और ऐसी ऐसी कहानी ढूंढ के लाए हैं, इतनी बढ़िया रिसर्च है, इतनी बढ़िया सुनाने का तरीका है। मैं कह रहा हूँ आपके शहर में जब भी दास्तानें साहिर हो रही हो हिमांशु भाई और प्रज्ञा जी की, आप कृपया करके पहुँचें, और हमारी तरफ से फुल रिकमेंडेशन, बहुत बहुत साधुवाद।